हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर हम आज इसलिए बोल रहे हैं कि कैराना के विधायक नाहिद हसन आज चित्रकूट जेल से 10 महीने के बाद रिहा हो चुके हैं, और उनकी रिहा होने तक की जो मुसीबतें हैं वो अगर आज वीडियो में बयान करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे पहले कि हम उन्हीं के कुछ उनको चाहने वाले और उनके कुछ फॉलोअर और उनको जो 10 महीने से उनको उनकी जेल की रिहाई के इंतज़ार में बैठी जनता थी, उन्हीं की कुछ कमेंट्स जो हमारी वीडियो और पोस्ट पर आई, और सुबह से लेके अब तक का जितना के सोशल मीडिया जो ज़िला शामली का इस्तेमाल किया उस पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क, और आज हम नाहिद हसन पर बात करने की शुरुआत कर रहे हैं। नाहिद हसन ने जिस तरीके से मजलूमों की आवाज़ उठाई और कोरोना वायरस के कोविड-19 के माहौल में गरीबों को राशन तक किट बांटी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि हम योगी की तरह यानी उत्तर प्रदेश की सीएम की तरह रोने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि नाहिद हसन को इसी के कहने की वजह से सज़ा मिल रही है, लेकिन ये सब बातें कानूनी प्रक्रिया में कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, क्योंकि जब कोई आदमी किसी FIR में दर्ज होकर जेल में चला जाता है तो फिर वो कोर्ट कचहरी के मामले पर ही निर्भर होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जिस तरीके से मैं भी एक दफ़ा जेल में मुझे भेजा गया था झूठे केस मुकदमे में, तो उस पर जितना टाइम मुझे भी लगा था तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक मैं जेल में रहा, लेकिन आज मैं आपकी दुआओं और आपके सहयोग से मैं आज फिर आपसे लगातार वीडियो में आकर बातें करता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वो बातें करूं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किन किन लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और नाहिद हसन के चाहने वालों ने सुबह से लेकर अब तक क्या क्या बोला है। चलिए लगातार हम आपको वीडियो में दिखाते हैं।